स्टूडेंट, आज का टॉपिक है राइबोसोम। आज आपको राइबोसोम पढ़नी है। राइबोसोम है वो एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेल प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्या राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम का पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट है, कौन कौन से साइंटिस्ट है, एक है रॉबिन्सन नामक साइंटिस्ट और एक है ब्राउन नामक साइंटिस्ट। ये दोनों साइंटिस्ट क्या करें, सबसे पहले प्लांट सेल में राइबोसोम को देखा। तो राइबोसोम को देखा, किसने देखा है, तो यहाँ पर रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लांट सेल में राइबोसोम को देखा। फिर जो प्लेट नामक साइंटिस्ट है, ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट है, प्लेट नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने एनिमल सेल में राइबोसोम को देखा और बताया कि जो राइबोसोम है वो आरएनए में होती है, ठीक है। आरएनए में जुड़कर या आरएनए से जुड़कर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है, ऐसा बताया। किसने बताया, प्लेट नामक साइंटिस्ट ने एनिमल सेल में राइबोसोम को देखा और बताया कि राइबोसोम है वो एमआरएनए में, ठीक है, इसमें एमआरएनए में ये जुड़कर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ऐसा प्लेट नामक साइंटिस्ट ने बताया। और राइबोसोम को राइबोसोम नाम भी किसने दिया है, प्लेट नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। राइबोसोम को राइबोसोम नाम दिया है प्लेट नामक साइंटिस्ट ने। आगे देखते हैं इसका ऑक्यूरेंस। एक्यूरेंस मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा कैसा है, ठीक। तो ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम है वो मैमल्स के, किसके, मैमल्स के RBCS मतलब लाल रक्त कणिका में क्या होती है, ये नहीं पाई जाती, बाकी सभी सेल में पाई जाती है। मैमल्स के कौन से सेल में, मैमल्स के RBCS सेल में ये नहीं पाई जाती, बाकी सभी सेल्स में और सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में फ्री रूप में पाई जाती है, ठीक है। क्या है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में फ्री रूप में, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव में कौन सी अवस्था में, फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। तो एक तो स्वतंत्र रूप से राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ठीक है, तो ये राइबोसोम में स्वतंत्र रूप से पाए जा रहे, तो एक जो राइबोसोम होती है इस राइबोसोम को मोनोसोम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, एक राइबोसोम है उसे क्या कहते हैं, मोनोसोम, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम है वो मोनोसोम के रूप में फ्री रूप में पाई जाती है। आगे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, कौन से सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाई जाती है, यानी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बाहर क्या रहती है इसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में इसी से जुड़ा हुआ क्या रहता है, राइबोसोम पाई जाती है। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ ये साइटोप्लाज्म में फ्री रूप में भी पाई जाती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में कैसे, साइटोप्लाज्म में ये फ्री रूप में भी पाए, मतलब स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है। अभी हम ये कभी कभी क्या होता है, ये राइबोसोम है वो ग्रुप में या गुच्छे के रूप में पाई जाती है, तब इस राइबोसोम को कहा जाता है पॉली राइबोसोम। देखो राइबोसोम अकेला है तब उसे क्या कहा जा रहा है, मोनोसोम कह रहे हैं। जब वो ग्रुप में एक साथ बहुत सारे पाए जा रहे हैं तब उसे क्या कहा जा रहा है, पॉलीसोम कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पॉलीसोम कह रहे हैं। ये पॉलीसोम है वो सब क्या होते हैं, इसमें जो राइबोसोम है वो मैसेंजर आरएनए से, ठीक है, इससे मैसेंजर आरएनए से जुड़ी हुई रहती है और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्या क्या समझ में, राइबोसोम में हिस्ट्री और ये क्या है ओक्योरेंस की, वो कहाँ पाए जाते हैं। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करेंगे इसके शेप साइज और इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राइबोसोम का नंबर, फिर इसकी कितनी संख्या पाई जाती है। अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या है वो अलग अलग सेल में अलग अलग इनकी संख्या देखने को मिलेगी।
लेकिन इनकी संख्या है वो आरएनए पर डिपेंड करती है। ठीक है, आरएनए निर्धारित कर रही है कि इसमें कितना ज़्यादा राइबोसोम है वो पाए जाएंगे। अगले समय अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ आपके बुक में दिया गया है कि कुछ एनिमल है या जीव है उनमें कितना पाया जाता है। तो ये एंड अमीबा है, ठीक है, कौन सा जीव है, एंड अमीबा। तो एंड अमीबा है, इस जीव में राइबोसोम की संख्या वो 20,000 से 30,000 तक होती है। ठीक है, कितनी है इस कोशिका में जो एंड अमीबा है उनमें राइबोसोम की जो संख्या होती है ये संख्या है 20,000 से 30,000 तक होती है। आगे रैबिट है, रैबिट मतलब खरगोश, तो एक खरगोश की या रैबिट के आरबीसी में, खरगोश के सॉरी क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो खरगोश के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनकी जो संख्या होती है वो 1×10^5। ठीक है, कितना है, 1×10^5 क्या है, 5। इतना क्या रहता है, राइबोसोम होती है, राइबोसोम होती है रैबिट की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे वो देखते हैं इसके साइज और शेप के बारे में। तो इसकी जो साइज होती है वो देख लेते हैं, इसके साइज कितनी रहती है, तो 150 कितनी रहती है, 150 से 200 अंगस्ट्रांग तक होती है राइबोसोम में। इनके साइज देखते हैं कितना रहता है, 150 से 200 अंगस्ट्रांग तक होती है, जिसमें सबसे छोटे, ठीक है, स्मॉलर, सबसे छोटे राइबोसोम है वो कितना रहती है, कितना अंगस्ट्रांग होती है, 80 अंगस्ट्रांग होती है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट राइबोसोम की बात किया जाए तो लार्जेस्ट राइबोसोम है वो कितना अंगस्ट्रांग होती है, तो 300 अंगस्ट्रांग की होती है। अगर इसको शेप देखा जाए तो ये चपटा मतलब है और गोलाकार करने मतलब कैसा है, राउंड शेप में है, राउंड गोलाकार राउंड, ये क्या गोला चपटे और गोलाकार संरचना के रूप में राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। आगे इसका टाइप देखते हैं, राइबोसोम है, राइबोसोम का टाइप है सेंट्रीफ्यूगल के आधार पर, मतलब औसादन पूर्णांक के आधार पर राइबोसोम है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, एक 70S प्रकार का और एक क्या है इसमें 80S प्रकार का। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन, एक है क्या 70S प्रकार का और एक कैसा है 80S प्रकार का। तो 70S और 80S, तो यहाँ पर जो एस है वो क्या है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, स्वेट बर्ग यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये एस है वो क्या है, स्वेट बर्ग इकाई या फिर स्वेट बर्ग यूनिट कहा जाता है। इसका मतलब ये क्या है, 70S और 80S प्रकार के होते हैं दो में। तो ये जो 70S प्रकार के राइबोसोम है वो किस में पाए जाते हैं और 80S प्रकार के राइबोसोम है वो किस में पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो 70S प्रकार के जो राइबोसोम होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अंतर बताए थे आप लोगों को याद होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, 70S प्रकार का, और यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इसके अलावा और भी होते हैं। तो इसमें दो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है इनमें भी राइबोसोम पाई जाती है, ये राइबोसोम में वो भी कैसा रहते हैं, 70S प्रकार की होती है। ठीक है, तो 70S प्रकार का राइबोसोम किस में देखने को मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलते हैं। अगर 80S प्रकार का राइबोसोम, ये जो 80S प्रकार का जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सभी में 80S प्रकार की राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। ये जो राइबोसोम है वो दो उप इकाइयों में बटी हुई रहती है। ठीक है, ये अगर इस 80S प्रकार की देखा जाए तो ये दो सब यूनिट में बटी रहती है, सब यूनिट में दो सब यूनिट में, तो 80 है वो कितना कितना सब में, 40S और 50S दो सब यूनिट में बटी रहती है। इसी तरह से जो 70S प्रकार के हैं इन ये भी दो उप इकाई या फिर सब यूनिट में बटी रहती है, कौन कौन सी, 30S और 50S दो सब यूनिट में बटी हुई है। तो देखिए कि 80S प्रकार के हैं वो कितने सब यूनिट में बटे हुए हैं, तो दो सब यूनिट में बटे हुए कौन कौन से हैं,
एक है 40S और एक है 50S। प्रकार से सब यूनिट में बटी हुई रहती है और ये कितने सब यूनिट में बटी रहती है, 30 से 50, 30S और 50S सब यूनिट में बटी हुई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे ये इस तरह से 2 सब यूनिट में बटी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। कौन से प्रकार का राइबोसोम है? ये 70S प्रकार का राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले राइबोसोम में ये 2 सब यूनिट में बटा हुआ करके बताया। ठीक है, कितने सब यूनिट में? 2 सब यूनिट में। कौन कौन से? एक था इसमें 50S और एक है सर था 30S। ठीक है, 30S प्रकार के, 2 प्रकार के। तो जो इसमें सब यूनिट जो 5S सब यूनिट है वो कैसे रहती बड़ी है और 30S सब यूनिट है वो कैसा रहता है छोटा। तो 2 सब यूनिट में ये बटा हुआ है। ये दोनों यूनिट 50S प्रकार का सब यूनिट और 30, ठीक है, ये दोनों सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो मैग्नेटिक 2+ आयन की उपस्थिति में ही आपस में जुड़ पाते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ते हैं किसके द्वारा जुड़ते हैं? तो ये मैग्नेटिक 2+ आयन से ये दोनों है 50S और S और 50S और 30S प्रकार का राइबोसोम है वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, तो इसे ये हो गया 50S और ये कितना हो गया 30S। इसी तरह का अगर 80S प्रकार का देखें तो कुछ इस तरह से इनकी संरचना बनेगी जिसमें ये सब यूनिट ये 40S प्रकार का होगा और ये होगा इसका, ठीक है, ये 40 हो गया और ये कितना होगा, ये होगा 60S प्रकार के। दोनों आपस में जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? तो मैग्नेट 2+ आयन के द्वारा ये आपस में जुड़ पाते हैं। ठीक, आगे इसमें देखे थे पॉली राइबोसोम देखे थे ना, पॉली राइबोसोम। तो ये क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए है, ये क्या सर है? मैसेंजर mRNA। प्रोटीन सिंथेसिस के समय आप समझोगे इसे और अच्छे से, तो जाने दीजिए क्या है mRNA। इसी mRNA में राइबोसोम में कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। ऐसा लगा हुआ है, ये दोनों क्या सब यूनिट है? तो इन दोनों सब यूनिट को क्या कह रहे हैं, इधर से इसी लगे हुए हैं मैसेंजर mRNA। अब देखो मैसेंजर mRNA में लगा हुआ है बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए रहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के समय, तो इन्हीं सब को एक साथ क्या कहा जाता है, पॉली राइबोसोम। ठीक है, क्या कहा जाता है, पॉली राइबोसोम। अब देखो गुच्छे के समान एक एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं तब उसे क्या कहेंगे, पॉली राइबोसोम। अगर एक राइबोसोम इस तरह से अलग रहेगा तभी इसे क्या कहा जाएगा, मोनोसोम। ठीक, क्या कहा जाता है इसे, मोनोसोम। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। आगे फिर इसका देखते हैं केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन की बात करते हैं। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, वो देखेंगे कि राइबोसोम में किन किन से मिलकर बना हुआ रहता है। तो राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन, इनसे मिलकर किसका फॉर्मेशन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, राइबोसोम बना। तो राइबोसोम किन से मिलकर बना रहता है, तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। अब इसमें देख लेते हैं 70S प्रकार और 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं उनमें कितना प्रोटीन रहता है और कितना परसेंट उसमें प्रोटीन पाई जाती है और कितना परसेंट उसमें आरएनए पाई जाती है। ठीक है, 70S प्रकार का राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो 70S प्रकार का राइबोसोम पाई जाती है इनमें प्रोटीन है वो 36 से 37, मतलब 36 से 37% प्रोटीन पाई जाती है। आगे इसके जो आरएनए, ठीक है, आरएनए में वो कितना परसेंट पाए जाते हैं, यहाँ पर 60 से 64, मतलब क्या 60 से 66% पाए जाते हैं। 80S प्रकार से जो राइबोसोम होती है जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, इस यूकैरियोटिक सेल्स में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी परसेंट होती है,
56 से 60 मतलब 56 से 60% पाई जाती है, और इसमें आरएनए की जो परसेंटेज है वो कितना रहता है 40 से 44, ठीक है 40 से 44% पाई जाती है। आगे इसका फंक्शन देख लेते हैं, इनका क्या काम है। तो आपको इसे स्टार्ट की थी तब भी फर्स्ट में ही बता देती कि जो राइबोसोम होती है ये राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और प्रोटीन फॉर्मेशन करती है। प्रोटीन का सिंथेसिस करने का कार्य, इसका मुख्य कार्य है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, ठीक है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये इसका क्या है, मुख्य फंक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।